हेलो दोस्तों, आयु मोटिवेशन में आपका स्वागत है। वॉरेन बफे विश्व के सबसे अमीर निवेशक माने जाते हैं। आज हम वॉरेन बफे की कामयाबी का राज जानेंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनकर। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने काम से ना कि सिर्फ बहुत से पैसे कमाए हैं, बल्कि बहुत नाम और शोहरत भी कमाई है। ऐसे लोगों की दुनिया में एक अलग ही पहचान होती है। हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टिंग करना पैसे बढ़ाने और पैसे को कमाने का एक बहुत ही फायदेमंद तरीका है, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने इन्वेस्टिंग को ही अपना पेशा बना लिया, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफे की। इन्वेस्टिंग किंग के नाम से पहचाने जाने वाले वॉरेन बफे सिर्फ इन्वेस्टिंग के दम से इतने अमीर बन गए कि आज वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल हैं। लेकिन फिर भी हैरत की बात यह है कि इतने अमीर होने के बावजूद ये बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। जहां एक आम इंसान थोड़े से पैसे कमाकर ही किसी भी कूपन कोड को यूज़ करने में शर्म महसूस करता है, वहीं ये दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर कूपन कोड यूज़ करने में बिल्कुल नहीं हिचकते। उनकी यही खासियत लोगों में ये सवाल पैदा करती है कि आखिर उन्होंने इतनी वेल्थ बनाई कैसे। मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफे का पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बफे है। इनका जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा नेब्रास्का में हुआ था। वॉरेन बफे के पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। जब वॉरेन बफे का जन्म हुआ तब अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, जिसकी वजह से वॉरेन बफे के पिता को बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ और वो गरीबी की ज़िंदगी गुजारने लगे। वॉरेन बफे के घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उनकी माँ उनके पिता को एक टाइम का खाना खिलाने के लिए खुद भूखी रहा करती थी, जिससे उनके पिता को पूरे दिन मेहनत करने के बाद एक वक्त की रोटी मिल सके। वॉरेन बताते हैं कि अपने घर के ऐसे हालात देखकर उन्होंने खुद से वादा किया था कि या तो मैं 35 साल की उम्र तक एक मिलियनर बन जाऊंगा, वरना शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदकर मर जाऊंगा, लेकिन गरीबी की ज़िंदगी नहीं जीऊंगा। वैसे तो ये प्रॉमिस किसी भी छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन वॉरेन बफे को बचपन से ही खुद पर भरोसा था। वॉरेन बचपन से किताबों के शौकीन थे और काफ़ी छोटी उम्र से ही उन्होंने लाइब्रेरी जाकर किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। वो 10 साल के थे जब उन्होंने लाइब्रेरी में किताब देखी जिसका नाम था 1000 Ways to Make $1000। इस किताब को वॉरेन ने पूरा पढ़ा और इसमें लिखे सभी आइडियाज़ को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश की। उन्हें इस किताब का एक आइडिया बहुत पसंद आया और वो था वेंडिंग मशीन की कंपाउंडिंग, जिसमें आप $100 लगाकर वेंडिंग मशीन खरीदते हैं और फिर उसे बेचकर पैसा कमाते हैं, और कमाए हुए पैसों को वापस मशीन खरीदने में लगाकर उनसे और पैसा कमाते हैं। इस तरह कुछ समय बाद आपके पास बहुत सारी मशीनें हो जाएंगी। कंपाउंडिंग का ये तरीका वॉरेन बफे को बेहद पसंद आया और कंपाउंडिंग को वॉरेन बफे ने अपने जीवन का मेन प्रिंसिपल बना लिया। वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने न्यूज़पेपर बेचे, च्युइंगम्स बेची, बुक्स बेची और भी अलग अलग छोटे छोटे बिजनेसेस किए। वो बताते हैं कि उन्हें पैसा कमाने का गेम अच्छा लगने लगा था। उन्होंने 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीदा था जो $38 का था, लेकिन निवेश करते ही उस शेयर का मार्केट प्राइस काफ़ी कम हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद उस शेयर की कीमत $40 हो गई। उन्होंने तभी वो शेयर बेच दिया। कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत $200 हो गई। तब वॉरेन बफे को एहसास हुआ कि उन्होंने शेयर को जल्दी बेचकर कितनी बड़ी गलती कर दी। इस घटना से वॉरेन बफे ने सीखा, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, मतलब बड़ी चीज़ों को होने में वक्त लगता है। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वॉरेन बफे ने नॉर्मल लोगों की तरह जॉब करना शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करके और पैसे कमाने का सोचा। फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की अच्छी नॉलेज होने की वजह से वॉरेन काफ़ी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे। अपने करियर की शुरुआत में वॉरेन बफे हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे
जिनका मार्केट प्राइस खराब मैनेजमेंट की वजह से काफ़ी कम हो गया है और बाद में उन्हें बेचकर अच्छा प्रॉफिट अर्न करते थे। लेकिन बेंजामिन ग्राहम से मिलने के बाद वॉरेन बफे का नज़रिया ही बदल गया। बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफे को बताया कि खराब मैनेजमेंट वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा होगा कि वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करती हो, जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो और जिसका बिजनेस लॉन्ग टर्म में भी ग्रोथ कर सके। इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करके वो अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और फ्यूचर में बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। और इस तरह वॉरेन बफे ने अपने इन्वेस्टिंग करियर में बहुत सारे नए लेसन्स सीखे। चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिन्हें वॉरेन बफे आज भी फॉलो करते हैं। टिप नंबर 1, साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीज़ें अलग तरह से करेंगे। टिप नंबर 2, मैं कभी शेयर बाज़ार से पैसे बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं इस धारणा से शेयर खरीदता हूँ कि बाज़ार अगले दिन बंद हो जाएगा और 5 साल तक नहीं खुलेगा। टिप नंबर 3, अगर बिजनेस अच्छा करता है तो स्टॉक खुद ब खुद अच्छा करने लगते हैं। टिप नंबर 4, अपने से बेहतर लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे सहयोगी बनाएं जिनका व्यवहार आपसे अच्छा हो। धीरे धीरे आप भी उस दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। बाजार के उतार चढ़ाव को अपना मित्र समझिए। दूसरों की मूर्खता से लाभ उठाइए, उसका हिस्सा मत बनिए। जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि मेरे जीवन के 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं। रूल नंबर 1, कभी पैसा मत गंवाइए। रूल नंबर 2, कभी रूल नंबर 1 मत भूलिए। तो ये थी वॉरेन बफे की सक्सेस स्टोरी और उनके कुछ लाइफ लेसन्स। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।